आर यू समन हु इज प्रिपेरिंग फॉर आर बी आई और आर यू समन हु इज ट्राइंग टू इंक्रीज दॉ स्कोर इन दी आर बी आई ग्रेट बी एग्जाम आप इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं पर यह बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चार चीजों के बारे में पता हो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू तो ग्रो इन दिस फील्ड तो सबसे पहले आर बी आई ग्रेड भी में अगर आप चाहते हैं आपका मॉक स्कोर बेहतर हो आपका सिलेक्शन हो तो बहुत ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत कम मेहनत करके भी आप ज़्यादा रिजल्ट लेके आ सकते हो और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते इसके अलावा जैसे ही आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ में आ गई आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए टू प्रिपेयर योर डे अहेड प्लान योर डे अहेड एक दिन पहले से आप प्लान कर लें आज रात को प्लान कर लेंगे कि कल क्या क्या पढ़ना है आपके पास लिस्ट तैयार होनी चाहिए करंट अफेयर्स करना है वोकेबलरी वर्ड करना है दो आर सी सॉल्व करने हैं फिलर का टॉपिक समझना है फिफ्टी क्वेश्चन मैच दी इसके बच्चे हैं वो सॉल्व करने हैं आपको हमेशा एक दिन पहले से पता होना चाहिए प्लान योर डे अहेड एंड ऑलवेज डू टारगेट

आप कितनी भी कोशिश कर लें अगर आप रिवाइज़ अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको मॉक और उसका एनालिसिस हमेशा करते आना चाहिए किस तरीके से क्या क्या लिखा हुआ है और उसका उसमें जैसे जब आप मॉक लिखते हैं जबी भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको हो सकता है कभी कोई छोटी मिस्टेक्स दिखे कि मैंने डायरेक्शन अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा कंसेप्ट है जो आपको आता ही नहीं है तो आप वो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज़ भी फोकस कर सकते हैं तो वीकेंड पे हमेशा एक अपना मॉक ज़रूर दे दें नोट्स अपने खुद के प्रिपेयर करें चाहे आप इंटरनेट पे पीडीएफ कलेक्ट करके करते हो या फिर हैंड रिटन नोट्स हो आप जो भी प्रिपेयर करें आपके पास एक अपना सेट होना चाहिए कि आई हैव डन दीज सेवन थिंग्स टू फॉर बेटर फॉर डूइंग बेटर इन दिस सब्जेक्ट और इसके अलावा आपका जो सोर्स है पढ़ने का आपका जो मेंटोर हैं जो आपके टीचर्स हैं जो आप जो भी फॉलो कर रहे हैं ये बहुत ही लेजिटमेट और बहुत ही आरबीआई बी होना चाहिए क्योंकि हम फेज़ वन की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो रिमेंबर आपको फेज़ वन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ दैट आपको जो रेलिवेंट मटेरियल है जो रेलिवेंट टीचर्स हैं वो आपको आर से रेलिवेंट टीचर्स की ज़रूरत है अगर आप ऐसी रेलीवेंट स्टडीज़ करना चाहते हैं एंड also इफ़ यू want टू फॉलो द रेस्ट ऑफ़ those थिंग्स मेक श्योर that यू रजिस्टर इन my रैपिड revision बैच ये जो हमारा बैच है द रैपिड revision बैच यहाँ पे आपकी ए टू Z जरूर तैयारी करवाई जाएगी RBI की ये बहुत ही टारगेट फोकस्ड बैच है कि आपका ये इतने मार्क्स आने चाहिए हर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए जो इसमें एनरोल्ड है हम एग्जैक्टली exactly वही पढ़ा रहे हैं उसी माइंडसेट से पढ़ा रहे हैं कि आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लेके आ पाए और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मेक श्योर sure कि आप आ, एक कोड यूज़ करेंगे वाई सिक्स फाइव नाइन फॉर रजिस्ट्रिंग अगर आप बुक्स या फिर टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो इसी वाई सिक्स फाइव नाइन के साथ एक छोटा सा एस ज़रूर लगा देंगे तो आई सी यू इन द बैच बाय एंड टेक केयर